धन इंडिया। आप लोग? हाँ, तुम्हें गिरफ्तार करने। मतलब हम क्या किए हैं? मिलावट और काला बाजारी। आम आदमी को जो सामान आता है बांटने के लिए, उसे तुमने मुनाफे के लिए बाहर बेच दिया। तुम्हारी की हुई मिलावट से बच्चे बीमार हो गए, जान चली गई उनकी। चलो पुलिस थाने चलते हैं, बाकी के सवाल वही पूछूंगा। सब हमारी बात तो सुनी, सब हम कुछ नहीं किए। चलिए। नमस्कार, मैं पूजा गौर, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ जीने की जद्दोजहद के बीच गुनाह की सबसे बड़ी दखल है। आज हम जुर्म की जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक किसी एक इंसान या फिर एक परिवार से नहीं, बल्कि यूपी के करोड़ों लोगों से है। आज हम गुनाह की दुनिया का ऐसा अपराध आपको दिखाएंगे जो कि करोड़ों गरीबों के पेट पर सीधा हमला है। राशन दुकानों में मौजूद करप्शन की ऐसी ही एक चौंका देने वाली दास्तां है कानपुर की। कालाबाजारी और मिलावट, ये दो ऐसे राक्षस हैं जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2010 तक विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा दिए गए 35,000 करोड़ रुपयों के धन की कालाबाजारी हुई, और ये काम करते हैं खुद सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वो लोग जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है हम और आप जैसे आम लोगों की सुविधा की, पर ये लोग सुविधा को दुविधा बना देते हैं। आखिर कौन था ये अशोक? क्या ये कोई गोरख धंधा चला रहा था? और क्यों दो मासूम लोगों की बेवक्त मौत का इल्जाम उसके सर लगा था? ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ समय पीछे, जब अशोक नाम का ये लड़का बेरोजगार था, बेपरवाह था, मस्त मौला था, जिसके लिए जिंदगी एक खेल से ज्यादा और कुछ नहीं थी। ये हुई ना बात, है? लगाए का? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे शर्म क्यों आएगी चाचा, हम कोई शर्माजी थोड़ी है। और नालायक भी नहीं है, बीए कर लिए, बीए। अब क्या करें, जाके राशन का दुकान संभाले? अरे पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, काम ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढते हो। का ही सब, हाँ? ऐसे कोई बुजुर्ग लोग का मजाक उड़ाते हैं? इसका हुआ अचानक, का हो गया है? अब वो भी हम ही समझाएंगे तुम्हें। देख लो रमा, कितना बदतमीज लोग है, राह पे चलते हुए बुजुर्ग लोगों का मजाक उड़ा रहे, हम तो तंग आ गए सब, तुम ही समझाओ। रहने दो अशोक, ही सब हम सब जानते हैं। और ये का छुपा रहे हो, दिखाओ। ई का है ये? तो ई तुम्हारी समझदारी। सीरियस तो है, पर समस्या ये है कि जिसके लिए सीरियस है वही नहीं समझ रहे। अशोक भैया, अशोक भैया, तुम्हारे बापू आ रहे हैं। जीवन चाचा ने तुम्हारी शिकायत कर दी। अरे भागो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो गई। इस लड़के ने तो जी हराम कर रखा है मेरा, नाक में दम कर दिया, न जीने देता न मरने देता। कितनी बार समझा लेकिन फिर भी समझता ही नहीं। मेरी अम्मा है, अकेले अकेले खाना खा रही हो? खा कर रही हो? तू टिकता कहाँ है घर में? और तो पिताजी तो जब देखो गुनगुनाते रहते हैं। तो काम अब तू जो वही अलाप जपने लगे, छोड़ो ना, का कमाल का खाना बनाए लो, आगे देखो। ये कमाल शाम को ना होगा। तू कहाँ है, तीर्थ पे जा रही हो क्या? घर में आना सब खत्म हो गया, शक्कर भी खत्म हो गई, तू जाकर दुकान से सामान ले आ। हमें पाए उस कुएं में धकेल रही हो, हम नहीं जाने, वहाँ बापू बैठा हुआ, वो भी गुस्से में। अगर ई खाना तुझे शाम को खाना है ना, तो जाकर दुकान से सामान ले आ जल्दी से। ये नहीं छोला,
ले। अरे रे कहाँ चला जा रहा है, लाइन में लग। हम जा खड़े हो जाए ना, लाइन वहीं से शुरू होता है। मैंने अनाज का पर्ची भेजा। अशोक जो कर रहा था वो उससे अलग नहीं था जो देश भर के अनगिनत लोगों की हालत है। दिशाहीन लक्ष्यविहीन जिंदगी जीना, किसी तरह कॉलेज खत्म करना, उसके बाद जिम्मेदारी रहित जीवन जीना। लेकिन जिंदगी अपना सच सबके सामने रखती ही है और तब जाके इंसान को यह एहसास होता है कि उसे अब काम करना चाहिए, कभी चाहत, कभी जरूरत, तो कभी मजबूरी की वजह से। और ऐसी ही एक मजबूरी अशोक के बेपरवाह जीवन में दाखिल हो चुकी थी। कब से तकलीफ हो रही है? जी 2 दिन हो गए। इनके फेफड़े में इंफेक्शन हो गया और इन्हें आराम की तक जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, राशन की दुकान में इतना ज्यादा काम कहाँ होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि ऐसा है कि अनाज की धूल से वो एलर्जी हो सकती है, जिससे कि आगे जाके आपको टीबी भी हो सकता है। इसीलिए आपका आराम करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको ये दवाइयाँ लिख के दी है, आप इसे टाइम से ले लीजिए। डॉक्टर साहब कुछ हो गया। लेकिन अशोक की माँ, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ? और अगर सरपंच जी हमारी जगह कोई दूसरा आदमी रख लिया तो हमें कोई दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। आप कोनो चिंता मत करो, हमारा बेटवा सब संभाल लेगा। कहाँ संभाल लेगा, हम दिन भर तो हमारा घर भी करता रहता तो। बेटा अशोक जी बाबा, बेटा सरपंच जी के पास चला जा और उनसे विनती कर कि वो तुझे कुछ काम दे, शायद वो मान जाए। अगर ये काम चला बेटा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेटा चला जा, बेटा सरपंच के पास चला जा। अशोक लापरवाह जरूर था लेकिन अपने माता पिता से बेहद प्यार करता था। बेमन ही सही लेकिन उसने अपनी दुकान पर जाना स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन अपने पिता की बात मानकर सरपंच से मिलने भी चला गया। तुम्हारे बाप ने हमारी काफी सेवा की है और हमारी हर उम्मीद पर खरा उतरा है वो। अब तुम भी उसी का खून हो, इसलिए हम तुमसे भी पूरी वफादारी का उम्मीद रखते हैं। तो ठीक है, तो कल से ठीक टाइम पर दुकान पर आ जाना और वो सुनवा है ना, वो तुमको सब काम समझा देगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई, हम बैठे हैं ना यहाँ पर। मुनीम जी, अशोक एक काम कर, तू तराजू संभाल। क्या है कि अभी तुझे इसकी जानकारी नहीं ना कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। जैसे जैसे तू तराजू संभालेगा धीरे धीरे जानकारी भी होगी, इसके बाद तू पूरी दुकान संभाल पाएगा। क्या सुनो, तुझे तो सारा काम संभालना आता है और सरपंच ने दुकान भी तेरे नाम कर दी है। अरे कोई दुकान वुकान मेरे नाम नहीं कर दी है। दरअसल बात यह है, हर 6 महीने में एक नए नाम पर ये लाइसेंस लेना पड़ता है, तो सरपंच हम में से किसी एक के नाम ये दुकान करवा देता है, समझा? चल काम कर। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी करो ना। अरे भैया आदमी है कोनो मशीन नहीं, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना तो खुद ही राशन मिल जाएगा। ज्यादा हो गया है जल... वो आंगनवाड़ी में सामान भिजवाना था कंट्रोल रेट पर, हमको खड़े खड़े यहाँ बहुत देर हो गई है। आंगनवाड़ी में बच्चा पढ़ता है ना, देश का भविष्य, तुम चिंता मत करो कि राशन का सामान खुद ही पहुँच जाएगा। ठीक है। बेटा गूगल की धूप चाहिए थी, कहीं भी नहीं मिली,
अरे चाचा चश्मा साथ में लाया करो, ये राशन का दुकान है कोई अगरबत्ती का नहीं। उधर रखते रहे, चलो 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 दूसरा चक्कर भी लगाना है। आज पूरा एक महीना हो गया है तुमको यहाँ काम करते हुए। मुनीम जी ये तुम्हारा तनखा, मुनीम जी, और ये तुम्हारा इनाम। जी जी इनाम किस लिए? अरे ये तुम्हारे मेहनत और लगन के लिए, और क्या। सत्यन जी दे रहे हैं तो रख ले। देखो भाई हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। देखो हमको लग रहा है कि जो अशोक है ना कि सब काम संभालने के लिए अब तैयार हो गया है। जी मालिक उसी कृपा। अब तुम्हारी तबीयत तो खराब रहती है, तुम घर में आराम करो। क्या अशोक तुमको कोनो आपत्ति तो नहीं है ना? जी नहीं ऐसी कोनो बात नहीं, पहले ही नहीं पता था कि काम करने के बाद इतना बदलाव आता है जिंदगी में। हम बहुत ही खुश है। ठीक है बहुत अच्छा। मुनीम जी ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। पूरी आखिर का पानी मर गया है का? पूरी आखिर में थोड़ी बहुत शर्म हया है कि नहीं है? अरे सरपंच जी जहाँ कहते हो वहाँ दस्तखत कर दे। चल जल्दी कर, चुपचाप दस्तखत कर दे। बहुत अच्छा। अब अशोक अब क्या है ना कि तुम्हारी दुकान की ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है, अब हम तुमको कमाने की ट्रेनिंग देंगे। सोनू जी ये अशोक को दिखाओ कि दुकान में लाने से पहले सामान कैसे तैयार किया जाता है। हमें तो सब काम कहा जाता है। अरे अभी सब नहीं आता है बेटवा। देखो ये राशन की दुकान जो है कहने के लिए तो ये समाज सेवा के लिए है, पर बेटवा देखो तू दिया भला कौन काम का जो बाहर तो उजाला करे लेकिन अपने घर में अंधेरा। समझे नहीं भाई। अपनी माँ को कभी तुमने चावल दाल में से कंकर पत्थर चुनते हुए देखा है ना? तो कभी सोचे हो क्या कि कंकर पत्थर आटा कहाँ से? अरे हम लोग उसे काम करते हैं। वो कंकर हम मिलाते हैं। अरे तो क्या है ना बेटवा ये जो सरकार है ना ये तो अपना कमाई करने के लिए टैक्स लगा देती है, अब हम लोग तो टैक्स लगा नहीं सकते है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ये जो कंकर पत्थर है ना ये हमारा टैक्स है ऐसा समझ लेने का। समझा समझा जरा दिखाओ कैसे कैसे होता है सब। अशोक ये गेहूं है और ये सारी दाल है, इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि कंकड़ का रंग इनसे मिलता जुलता है कि नहीं ताकि सामान देते वक्त ग्राहक से पकड़ ना सके। अरे कहाँ सोचने लग गए बेटवा? वो मालिक हम सोच रहे थे कि यहां से बाहर आपका कोई दूसरा दुकान नहीं है का? कहा है वो कहा ना मालिक के अगर यहाँ से आधा माल निकाल कर वहाँ बाजार के भाव में बेचेंगे तो दुगना मुनाफा होगा। भारत सरकार द्वारा चलाए गए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य गरीब लोगों को किफायती दरों पर खाद्य पदार्थ अनाज गेहूं चावल केरोसिन मुहैया कराना है। तकरीबन 5 लाख जितनी राशन की दुकानें संचालित हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक सरकारी निगम है इस सिस्टम का प्रबंधन करती है, इसीलिए हर साल सरकार तकरीबन 750 अरब रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद 21% लोग पोषण से वंचित रहते हैं। आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि सरपंच जैसे लोग गरीबों का पेट भरने के बजाय अपनी जेबें भरने में लगे पड़े रहते हैं। अशोक बेटा ठीक से तोलो, ये 2 किलो नहीं लागत है। अपने वजन का ख्याल रखो और इस तराजू छोड़ दो हम पर। वाह चोरी और सीना चोरी, अरे ये सौकर हमें लूट रहा है। अभी बताते हैं तुम्हें।
मिलावट के इस काले खेल का अशोक धीरे धीरे खिलाड़ी बनता गया। बेफिक्री और बेखौफी उसके मिजाज में पहले से ही थी, और ऐसे में अगर कोई उसके काम और मालिक पर उंगली उठा दे तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। पर जिस विरोध की आवाज को अशोक ने दबाया हुआ था, क्या वो उसकी गंभीरता से वाकिफ था? क्या उसे मालूम था कि वो न जाने कितनी जिंदगियों के साथ खेल रहा है? अब तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है हमको, वरना पहले लगता था जैसे कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगी। और आजकल क्या लगता है? अच्छा, तो अभी भी हम तुम्हें बताएं। और नहीं तो क्या? हमारी आंगनवाड़ी में सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि बहुत अच्छा सामान तोलता है। बेटा, तू सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा, वो बाबू बता रहा था कि आंगनवाड़ी में बच्चे खाना खाने से बीमार हो गए, हम अस्पताल जा रहे हैं। हे भगवान, भगवान, उन बच्चों की रक्षा करना। बच्चे काम लगा। शोक, ये सब क्या हो गया? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry. नहीं, 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 नहीं। देखो, एक काम करो, जल्दी से दुकान में जितना भी मिलावटी माल है ना, उसे बाहर निकाल दो और कुछ दिनों के लिए उसकी जगह साफ माल रख दो, जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। आंगनवाड़ी में जो कुछ भी हो, वो सब हमारी वजह से हुआ ना सरकार, हमारे मिलावट करने की वजह से दो बच्चा की जान गई। अरे वो सब तुम्हारा बच्चा तो नहीं था ना? देखो, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इस सब बात अपना दिमाग से निकाल दो और जल्दी से काम पर लग जाओ। अरे बहुत काम करना है अभी, जल्दी करो। चलो क्या हुआ यहाँ पे? अरे वो आंगनवाड़ी कार्य करता है ना, उसी को गिरफ्तार करने आए। दरोगा जी, इसने हमारा कोई कसूर नहीं है, उल्टा हम अगर बच्चों को अस्पताल ना लेकर जाते तो न जाने कितने बच्चे और मर सकते थे। जो कुछ कहना है पुलिस थाने में चल के कहना। चलो दरोगा जी, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकते। अपने काम से काम रखना, पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश मत करना, समझे? अशोक, अशोक, हमने कुछ नहीं किया। अशोक, हमने कुछ नहीं किया। अशोक, घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। अरे जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो कोई क्या करेगा? अब भैया यहाँ से तो जल्दी छूट ही आएगा, लेकिन वो ऊपर वाले को काम मुंह दिखाएगा। हमको माफ कर दो, हम पुलिस वालों को रोक ही नहीं पाए। पर तुम कर भी कर सकते थे। पर रमा, इस सब मामले में तुम्हारा तो कोई गलती नहीं था ना? हम जानते हैं, पर हम साबित नहीं कर सकते ना। और फिर मिड डे मील तो हमने ही बनाया था ना। देखो, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो हमारा साथी होने के आरोप में ये पुलिस वाले तुमको भी धर लेंगे। सोनू, ये अशोक को दिखाओ कि दुकान में लाने से पहले सामान कैसे तैयार किया जाता है। ये गेहूं है और ये सारी दाल है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कंकड़ का रंग इनसे मिलता जुलता है कि नहीं।
अरे वो सब तुम्हारा बच्चा तो नहीं था ना? तो कहाँ है? मालिक बुला रहे हैं। लेकिन भैया वो तो सुबह से वही गया हुआ है। अब अगर वो वहां नहीं गया तो फिर कहाँ गया होगा? क्या हुआ अशोक, ऐसे क्या अकेले बैठा है? अरे तुम्हें नहीं पता, इनकी मैम सब जेल जो चली गई है, थोड़ा उदास तो होंगे ही। अरे तो इसमें इतनी उदास होने की क्या बात है, आ जाएंगी, फांसी थोड़ी ना चढ़ गई। खबरदार दोबारा अगर ऐसे बोले तो हम भूल जाएंगे तुम्हारे दोस्तों। कहाँ भाई, एक लौंडिया के खातिर आंखें दिखा रहा है? ठीक है, देख ली तेरी दोस्ती, चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा, मुझे साहब से मिलना है, मेरे अंदर जरूरी मीटिंग चालू है। अरे अरे मैंने कहा नहीं जा सकते, बात क्यों नहीं समझ रहे आप मेरी? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या गुंडा कर दिया भाई? अब मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लेकिन ये चपरासी मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा। ठीक है कहो, क्या कहना चाहते? वो आंगनवाड़ी में जो भी माल आता है वो हमारी राशन की दुकान से आता है, और सरपंच के कहने पर हम उस माल में मिलावट करते हैं। वो अनाज में मिलावट करने की वजह से बेगुना बच्चों का जान चला, और बेकसूर रमा को जेल। आपसे विनती है, पुलिस को कह के कह दीजिए कि कम से कम वो उसको छोड़ दे। ऐसा क्यों होता है कि जब मुसीबत हम पर या हमारे किसी अपने पर आती है तभी हमारी आंखें खुलती है? खैर, बात जब रमा पर आई तब जाकर अशोक को होश आया और उसने सरपंच के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अशोक ये नहीं जानता था कि ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी जिसकी कीमत में अशोक को बहुत कुछ चुकाना था। सरपंच जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपके राशन की दुकान से गए हुए राशन से आंगनवाड़ी में हादसा हुआ है। अरे क्या कह रहे हो दरोगा जी, आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। लेकिन राशन तो वहाँ आपकी दुकान से ही जाता था ना? अरे साहब, जाता तो हमारी दुकान से ही है, लेकिन इसके लिए तो नमस्कार, हाँ अशोक ही सब काम देखता है। अशोक ने ही तो आपके खिलाफ शिकायत की है। कमाल है, ये कैसे हो सकता है, एक आदमी अपनी शिकायत कैसे कर सकता है? क्या मतलब? अभी समझ में आ जाएगा दरोगा जी। उमिन जी लेके आइए, बैठिए साहब, बैठिए। नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसको पढ़ने के बाद आप सब समझ जाएंगे। इसमें तो राशन के दुकान का लाइसेंस तो अशोक के नाम पर है, लेकिन ये तो आप चलाते थे। अरे चलाता था दरोगा जी, चलाता था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। वो कहा है ना कि हमको लगा कि लड़का समझदार है, ईमानदार है, इसीलिए हमने सारा काम उसको सौंप दिया। अब कहा है ना, हमरे तो पूजा पाठ की उम्र हो गई है। लेकिन दरोगा जी, एक बात आज हमारी समझ में आई कि नेकी कर और दरिया में डाल काहे कहते हैं। दरोगा जी, आपसे हमारा खास दरखास्त है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। अरे हमारा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया, अरे मिलावट करके तू मासूम बच्चों की जान ले ली। ठीक है, चलिए ऑफिसर। तुमसे उम्मीद नहीं थी। अब तुम भी हमें गलत समझ रही हो, समझने की कोशिश करो। अरे अगर वो दुकान का लाइसेंस हमारे नाम पर होता तो काम खुद जाकर रपट लिखवाते, तो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर शिकायत करने गए थे, लेकिन उल्टा सरपंच ने हमें फंसा दिया। इस धंधा में हम उनके साथ थे पर अब नहीं, हमारी आंखें खुल चुकी है, इसीलिए तो हमने उनके खिलाफ रपट दर्ज करवाई। अशोक को 6 महीने की सजा हुई। दरअसल वीरजा सिंह हमेशा सुरक्षित खेल खेलता रहा, उसने लाइसेंस कभी अपने नाम पर नहीं लिया, लेकिन फायदा हमेशा खुद ही उठाता रहा।
कानपुर यूपी की एक जेल से 6 महीने की सजा पूरी करके अशोक घर वापस लौटा। बरसों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी और काम से गए वो अलग, सरपंच की निगाहों से गिरे वो अलग। अब कहाँ खाएंगे और कहाँ से कमाएंगे? अरे मूर्ख, काम ला तुझे ये सब करके। शांति रखो, इका थोड़ा खाना तो खाने दीजिए, इतने दिनों के बाद तो आया मेरा बेटा। हाँ हाँ, खिला खिला, अपने हाथ से खिला, क्योंकि बहुत बड़ी जंग जीत कर आया ना तेरा बेटा। अरे कौन हो, जंग वक्त जीत कर नहीं आया है, जेल की सजा काट कर आया है, जेल की सजा। और ये सब तुम्हारे लाल प्यार की वजह से है। पूछ अपने लाडले से, काम ला उसे ये सब करके। लाल भाई धंधा में साथ रहे, ये सब उसी का सजा मिला है हमें। देखा देखा, 6 महीने जेल की सजा काट कर आया है, लेकिन फिर भी वही त्योहार वही अकड़। अरे वहां तो मुक्त की रोटियां तोड़ी है, लेकिन यहाँ क्या करेगा? गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे। अरे हमने तो सोचा था हमारे घर में बेटा पैदा हुआ बेटा, मगर नहीं, हमारे घर में तो कपूत पैदा हुआ है कपूत। हमने तो सोचा था कि हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर नहीं, हमारी जान का दुश्मन बन गया। कपूत था पर अब नहीं, तो गुनहगार सरपंच को सजा दिलवा कर छोड़ूंगा। अरे बेटा खाना तो खा ले, ठंड पड़ गई आपके कलेजे में। तू तो बस चुप्पी रहे, घर में बैठ कर रोटी बनाना बहुत आसान, लेकिन बाहर जाकर दो वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। अशोक किस सोच में पड़े हो? हम जब गुंडागर्दी किया करते थे तो पुलिस हमें हाथ नहीं लगाती थी, गांव वाले हमसे डरा करते थे, माँ बाबूजी हमें लाड किया करते थे, और जब आज हम सच बोल रहे हैं तो सबका सब कुछ उल्टा हो रहा है। ना तो गांव वाले समझ रहे हैं और ना ही घर वाले, अपने ही घर में और अपने ही गांव में हम अजनबी बन के रह गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। देखो अशोक, कहते हैं कि जहां से गलती हुई है ना, उसका सुधार भी वहीं से करना चाहिए। मतलब राशन की दुकान। अब देख कर रहे हो, कहा ना कि अनाज खत्म हो गया है, मतलब कोटा कम आया था, अब अगले महीने आना। कोटा तो सबका आता ना, सुनो भैया कहाँ गया? अरे पता है बाहर की दुकानों पर अनाज कितना महंगा है। अरे हम क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? देखो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अब ऊपर से अनाज कम आया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सबको मिलकर इस बोझ को बांटना पड़ेगा। मालिक मालिक, हम तो आपके पुराने नौकर हैं मालिक, घर में कुछ भी नहीं है मालिक, खाने के लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत तो दे दीजिए मालिक। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं गांव में एक टीम भेजता हूं, वो टीम गांव का दौरा करेगी और अगर ये सच है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद कलेक्टर साहब, गरीब जनता पर बहुत कृपा होगी आपकी। एक मिनट, क्या नाम है आपका? नागेश। आप ये बताइए, सरकार जो अनाज आपके पास भेजती है वो आप लोगों को मिलता है कि नहीं? पता नहीं साहब, हम कुछ दिन से बाहर गए हुए थे। आप लोग ये बताइए, सरकार जो अनाज भेजती है वो आप लोगों को मिलता है कि नहीं? हाँ हाँ साहब, हमें पूरा अनाज मिलता है साहब। अगर आज नहीं बोलोगे ना तो वही सड़ी जिंदगी भुगतोगे। हमें कुछ नहीं कहना, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तेरे ये सब करने से पहले भी हम बहुत खुश थे। चलो भाई चलो चलो। अरे बात तो ये सब क्या है अशोक जी? ये सब के सब लोग सरपंच की ताकत से डर गए। जो भी हो, जब तक कोई गाँव वाला मुझसे कुछ नहीं बताता मैं कोई रिपोर्ट नहीं बना सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मेरी बात। Thank you.
कितना समझाया तेरे को, समझा समझा के थक गया हूं। धमकाने के लिए बुलाया का? नहीं, समझाने समझाने। सबको लगने लगा है कि तू गांव की शांति के लिए खतरा बन गया है, और सरपंच होने के नाते हम तुझको गांव से बाहर निकालते हैं। आज के बाद गांव में तेरा हुक्का पानी बंद। आज के बाद अगर तू गांव में दोबारा दिखाई दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझा? ना पुलिस आएगी ना कचहरी लगेगी, ताबड़तोड़ फैसला कर दूंगा यही। अशोक, आखिर तुम कब तक यहां छिपकर रहते रहोगे? देखो, तुम्हें अब इस गांव में और ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और अगर सरपंच को पता चल गया ना तो न जाने वो क्या करेगा। तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया गया है। अब गांव से दूर रहकर तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी ना। सच्चाई सामने लाने का बस एक ही तरीका है, एक बार पता चल जाए कि सरपंच उस चोरी किए हुए माल का कर्ता का है। हाँ, ये तो है, कि आखिर इतना सारा अनाज जाता कहाँ है? हमें तो एक बात लगती है, ये सारा अनाज ना सरपंच किराने वाले को दे देता है, जिससे कि किराने वाला ये सारा माल ऊंचे दामों में बेच सके। अशोक कानपुर के इस छोटे से कस्बे के इकलौते किराने वाले से मिला ये जानने के लिए कि कहीं सरकारी राशन का सामान किराने की दुकान पर तो नहीं बिक रहा था। सच बता, सरपंच का सारा माल तेरे ही आता है ना? भगवान झूठ ना बुलाए, हमका हमारे बच्चों की कसम, हमने सरपंच जी से कोई धान कोई अनाज नहीं लिया, हमरा तो सारा माल शहर की मंडी से आते, और जिसका हिसाब किताब हमारे बही खाता में लिखा है। विश्वास ना हो तो पढ़कर देख लीजिए। मालिक, अशोक यहाँ गांव में ही है, हमारे आदमी ने देखा उसे। ढूंढो उसको, ढूंढ के निकालो उसको। हाँ, वो आंगनवाड़ी की रमा है ना, वहां जरूर देखना। पहले जेल गया, उसके बाद गांव से निकाल दिया गया। अरे, हमें तो पछतावा होता है कि ऐसे गलत इंसान को भला समझ बैठे थे। चाचा जी, तुम हमारे पुराने आदमी हो, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा बेटा यहाँ आए ना तो घर में घुसने मत देना, और अगर हमारे से पड़ गया तो पूरे परिवार की तबीयत खरी कर देंगे। समझ गए चाचा, का मतलब वो ठग को ठगी से ही निपटना होगा, इतनी जासूसी करनी होगी कि उसका माल जाता का। समझ में आया, अनाज का क्या करते हैं, अनाज की शराब बनाते। अशोक के लिए ये नजारा बेहद चौंका देने वाला था। ज्यादातर मामलों में अनाज की कालाबाजारी इसलिए की जाती है ताकि वक्त आने पर उसे मोटी रकम में बेचा जाए, या फिर झूठी कमी दिखाकर मांग बढ़ाई जाए ताकि भाव बढ़े। पर यहाँ तो मुनाफा कमाने के लिए एक अलग ही साजिश रची जा रही थी। अनाज को सड़ाकर उससे कच्ची शराब बनाई जा रही थी, और फिर यही शराब ऊंचे दामों में बेची जा रही थी, जिससे लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा था। एक बात तो साफ है कि गांव वालों के हक का अनाज शराब में तब्दील हो रहा था।
ऐसे में अशोक ने इसका पर्दाफाश करने की ठान ली और वो एक बार फिर कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने अपनी टीम बनाई और दबिश देने का फैसला किया। कहा भट्टी में दबिश, क्या कह रहे हो? हाँ मालिक, अब क्या करें? जाओ जल्दी, वहाँ जल्दी पहुंचो, सारा सामान हटाओ वहाँ से, जाओ जल्दी। अरे बंद करो, बंद करो, अरे सब भट्टी जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। हुआ, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जितना अनाज निकाल सकते हो निकाल लो, और जो सड़ा हुआ अनाज है ना उसमें आग लगा देना। जल्दी करो, चलो, समझे? बहुत अच्छी तरह समझ गए सरपंच साहब। अरे कलेक्टर साहब, हम तो आप ही के पास ना आ रहा था। देखिए ना, देखिए का गोरख धंधा चल रहा है यहाँ पर, और ये सब ये अशोक की निगरानी में हो रहा है, इसी के कराए सब हो रहा है ये सब। अच्छा, तो ये सब आप कैसे कह सकते हैं? अरे साहब, तो सरकारी राशन की दुकान का लाइसेंस भी इसी के नाम पे था, और ये ना वहाँ से सब राशन चुरा चुरा कर, सब अनाज चुरा चुरा कर यहाँ दारू बनाता है। अरे साहब, ये 6 महीना जेल भी रह चुका है, आप पूछे इंस्पेक्टर साहब से। बोलिए। अरे बोलता कहा, बोलिए ना। सब पूछ चुके हैं, सब जान चुके हैं, और ये कहानी सभी लोग ने तुम्हारी जुबान से सुन चुके हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म प्रधान। देखिए 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 ना सब, देखिए देखिए कैसा चाल चल रहा है, देखिए कैसा चाल चल रहा है, कि हमसे पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। दुश्मनी तो तुम निकाल रहे हो जनता से, न जाने किस जन्म की। गिरफ्तार कर लो इसे इंस्पेक्टर, आई सी टू इट इसके सारे लाइसेंस जब्त हो जाए और इसे सरपंच पद से बर्खास्त किया जाए। अरे ये सब इसकी गलती है, अरे ये हमको फंसा रहा है, ये हमको फंसाया है। बेटा कोई तेरा साथ नहीं देगा बेटा, आज के बाद गांव में तेरा हुक्का पानी बंद। कहते हैं कि एक सड़ा सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है, पर यही तो फर्क है सेब और इंसान में। इंसान अगर चाहे तो गुनाह के दलदल से बाहर निकल भी सकता है और उसे साफ भी कर सकता है, और यही किया अशोक ने। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं रुका, उसने आरटीआई को अपना हथियार बनाया और कई घोटाले उजागर किए। हालांकि ऐसा करने में उसकी जान को कई बार खतरा भी हुआ, लेकिन जान का खतरा तो सड़क पर चलते हुए भी होता है। हमें सीख लेनी चाहिए अशोक से। हाँ, और रहना होगा सावधान, क्योंकि सरकार की योजनाएं हमारी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से बनाई और लागू की जाती है। तो अगर इन योजनाओं में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसे रोकना और उसके बारे में सरकार को इत्तला करना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम सावधान रहें, आवाज उठाए बिल्कुल अशोक की तरह। अब मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे यूपी की ऐसी ही एक बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।